और मम्मी बोली है दिवाली में कि हम जो गरीब आदमी है उन्हीं लोग से जाके लिया जाएगा जो ठेले पे या अकेले में बेच रहे हैं। तो बच्ची यहाँ पे दिखी है मम्मी, तो मम्मी बोल रही है कि यहीं पे लिया जाएगा। नहीं मम्मी, तो नाइट को आइए घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो है रात का व्यू बहुत ही जबरदस्त लगता है। नहीं मम्मी, लगता है। और ये देखिए आगे का कितना अच्छा लग रहा है। और कैसा व्यू लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो दिया का सीन है, कितना अच्छा लग रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। गाइस अभी शाम के 6 बज चुके हैं और भाई साहब अभी हम लोग जा रहे हैं दिवाली की शॉपिंग करने। तो देखिए पूरी फैमिली हमारी जो है रेडी हो चुकी है। तो देखो अभी हम लोग जाने वाले हैं बड़ी वाली गाड़ी से और सबको यहाँ पे रेडी हो गया है। तो घर से निकलते समय मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं। दोनों खुश रहो, बेटा बहू खूब खुश रहो। बेटा आप लोग भी खुश रहना, हमारे तरफ से दीपावली के ढेर सारा शुभकामनाएं, आप लोग को ढेर सारा प्यार। तो भाई साहब देखो हमेशा की तरह प्रेम जो है अभी दरवाजा लॉक कर रहा है। अभी देखिए जो है दरवाजा अनलॉक करते हैं और अभी देखिए प्यारी जा रही है गाड़ी के अंदर। अभी चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। हम लोग जा रहे हैं दिवाली की शॉपिंग करने गोरखपुर। तो मम्मी से पूछते हैं, मम्मी से मम्मी क्या लिया जाएगा? मम्मी वहाँ जाकर देखेंगे क्या क्या मतलब सामान मिलता है, तो सब लिया जाएगा, देखने पर सब याद आएगा। आप लोग भी दिवाली की ढेर सारा शॉपिंग कीजिए लेकिन। हाँ। तो भाई साहब अभी आ चुके हैं टोल टैक्स पे और देखिए गेट हमारा उठ चुका है और अभी निकल रहे हैं। गाइस अभी देखिए प्यारी आ गई बाहर गाड़ी के। तो भैया अभी आ चुके हैं हम लोग गोरखपुर और अभी जो है देखिए पूरी फैमिली हमारे साथ में है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं दिवाली की शॉपिंग करने के लिए और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे मिलता है। जो जो मिलेगा वो आज खरीदा जाएगा। मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है लेकिन मम्मी सब जानती है कि क्या क्या खरीदा जाएगा आज। भैया आए हैं अभी यहाँ पे दिए की दुकान पे, जो कि देखिए छोटी बच्ची हमारे साथ में है और मम्मी बोली है दिवाली में कि हम जो गरीब आदमी है उन्हीं लोग से जाके लिया जाएगा जो ठेले पे या अकेले में बेच रहे हैं। तो बच्ची यहाँ पे दिखी है मम्मी, तो मम्मी बोल रही है कि यहीं पे लिया जाएगा। नहीं मम्मी, दुकान से नहीं लिया जाएगा, यहीं से लिया जाएगा। तो गाइस अभी देखिए यहाँ से हम लोग 100 ये दिया ले रहे हैं। नहीं मम्मी, 100 लेना है, 108 लेना है, 108 पीस जो है ये वाला दिया निकाल रहे हैं। तो निकाल दीजिए अभी ये वाला 108 पीस निकाल दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे 3 जो है बाती लिया गया है और ये एक घंटी लिया गया है और बाकी देखिए इतना बड़ा जो है दिया लिए है। घर बड़ा है तो चारों बगल हम लोग को सजावट करनी है। तो गाइस फाइनली जो है हम लोग सब कुछ यहाँ पर ले चुके हैं, दिया वगैरह जितना लेना था वो ले चुके हैं। अभी जो है पैसा देते हैं क्योंकि बहनी का पैसा जो है 130 हुआ, तो दे दो मम्मी अभी। लो बेटा। अभी और क्या लेना है मम्मी? वो माला लेना है, चुंदरी लेना है। चलो देखते हैं जो लक्ष्मी जी का फोटो है वो सब लेना। भाई साहब देखो फाइनली हम आ चुके हैं दुकान पे और मम्मी के देखते हैं मम्मी क्या क्या यहाँ से पसंद करती है। ये जो है मूर्ति वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, माला मिल जाएगा और देखिए कितना प्यारा प्यारा चीज है जो कि सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए वाइफ जो है मूर्त पसंद की है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। वहाँ जो है दो पसंद है, ये वाइफ की पसंद है और ये मम्मी की पसंद है। यही लिया, ये वाला लिया जाएगा। देखिए प्यारी जो पसंद की है वही मम्मी ले रही है। चुंदरी दे दीजिए इसका, ठीक है, लाल वाला ठीक है, ये लाल वाला सही है। सही है लाल वाला, ये पीला वाला नीचे रखने के लिए है। मम्मी किस लिए ले रही है माला? ये कृष्ण भगवान के लिए, घर में जो कृष्ण भगवान है ना, तो माला चेंज कर देंगे, बदल देंगे, फिर कहीं और जाएंगे तो अच्छा माला लेकर आएंगे। अब मम्मी यहाँ पे एक सिंदूर भी ले रही है क्योंकि यहाँ से शुभ लाभ बनाना है ना इसको। हाँ। ये सिंदूर भी ले रही है मम्मी। ये यहाँ पे सारा सामान लिया चुका है, गणेश भगवान और लक्ष्मी भगवान की मूर्ति है, चुंदरी है, ये भी माला है, ये कुमकुम है और एक ये भी माला है। अभी हम लोग आंटी जी की दुकान पे आए हैं। आंटी जी की दुकान था, मम्मी बोली है कि किसी अलग दुकान से ले आएगा, बड़े दुकान से नहीं ले आएगा, छोटे छोटे दुकान से ले आएगा, तो हम लोग वही ले रहे हैं। तो अभी आंटी की दुकान पे आएगा। आंटी जी हमको आशीर्वाद बहुत बढ़िया दीजिएगा, आपका पैर छू रहा है, आशीर्वाद दीजिए कि मेरे बेटा बहू खूब आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखिए भैया मम्मी और वाइफ मिल के जो है शॉपिंग कर रही है और देखिए यार कितना खूबसूरत जो है यहाँ का व्यू है, जो कि हम लोग गोरखपुर में आए हैं और वहाँ पे देखिए वो वाला KFC वाला जो है ना, वो वाला ओरियन मॉल है और देखो यार कितना मस्त व्यू यहाँ का लग रहा है। तभी आए हैं देखिए चाचा के दुकान पे जो कि यहाँ पे चूड़ी बेच रहे हैं और अभी वाइफ और मम्मी कुछ चूड़ियाँ लेंगी। तो वाइफ ने पसंद कर दिया, कौन सा कलर तुमको पसंद है? पसंद है, ये चूड़ी बहुत अच्छा होता है। और मम्मी को येलो कलर पसंद है, येलो लोगी मम्मी? हाँ पीला लेंगे। मम्मी येलो कलर लेगी और वाइफ जो है रेड कलर लेगी।
तो यहाँ पर देखिए अंकल जी दिखा दो भैया थोड़ा, रेड कलर जो है अंकल जी के हाथ में, वो वाला वाइफ को पसंद आया है और ये वाला मम्मी को पसंद आया है। हम दुकान से भी ले लेते लेकिन ये चूड़ी बहुत अच्छा हो रही है। देखो 100 रुपए का जो है चूड़ी ले ली है और अंकल जी को अभी 100 रुपया हम लोग दे रहे हैं। इसका किसका चूड़ी है इसमें? मम्मी का, मेरा और मनीषा बहनी का। 3 लोगों का चूड़ी है जो कि ले लिया गया है। यहाँ पर मोर का पंख लेने कौन पसंद किया है? मम्मी आपका पसंद है? हाँ, मेरा पसंद है। एक कृष्ण भगवान के लगाएंगे और ये लक्ष्मी गणेश जी के, और एक बेना है। देखो भाई साहब हवा खाना है तो आ जाना। तो भाई साहब हम लोग का तो मार्केट वैसे हो चुका है, अभी चलते हैं और मार्केट के अंदर देखते हैं, और कुछ पसंद आएगा तो और कुछ लेंगे, और बाकी जो सामान लिए हैं उसको अभी गाड़ी के अंदर रख देते हैं। लड्डू क्या चाहिए तुम्हारे लिए? कुछ चाहिए? अभी हम लोग चल रहे हैं पानी पूरी खाने। भाई साहब पानी पूरी ही बोल रही है खाने को। देखिए भैया जो है अभी यहाँ पे पानी पूरी बेच रहे हैं। अभी अंदर देखिए मम्मी गाड़ी के अंदर है लाडो को लेके, और इसको अभी चल रहे हैं पानी पूरी खिलाने। मनीषा तुम भी खाओगी ना? हम भी खाएंगे, तो मेरा फेवरेट है तो खाएंगे नहीं। अभी देख रहे हैं टेस्ट कैसा है इसका। अब हम खाने भैया बहुत मस्त बना है, टेस्ट अच्छा लग रहा है। अच्छा बना है, बहुत अच्छा लग रहा है पानी पूरी। पानी पूरी हम लोग खा के आ चुके हैं, गाड़ी में कैसा लगा पानी पूरी? बहुत मस्त बना था, बहुत अच्छा लग रहा था। और मम्मी लाडो को रो रही है। मम्मी कुछ भी नहीं खाई है, मम्मी पानी पूरी नहीं, बाहर का सामान बहुत कम पसंद करती है। वो अच्छा नहीं लगता है पानी पूरी। और देखिए प्रेम कैसा लगा पानी पूरी? बहुत अच्छा लगा। एक पानी पूरी मेरा मनीषा दिली है, उसी लिए 5 रुपए उससे मांगूंगा। एक एक्स्ट्रा पानी पूरी मनीषा खा ली है। झूठ बोल रही है, एक ली है। हम देखे एक भी नहीं ली है। लाडो तुम भी खाओगी पानी पूरी? लाडो दूध पिएगी, आगे साल खाएगी, अगला दीपावली में खाने लगेगी। अभी हम लोग जा ही रहे थे तो देखो भैया एक भुजे वाले मिल गए हैं, तो हमारी प्यारी बोल रही है कि भुजा खरीदना है, भुजा चाहिए। हाँ। तो देखिए क्या बनवा रही है। हमको मूंगफली चाहिए और ये, और ये चाहिए। क्या क्या? मूंगफली वाला सब चाहिए, मूंगफली। तो देखिए भैया अभी जो है आके गाड़ी में मम्मी वाइफ और मनीषा भुजा खा रहे हैं। लोग कैसा भुजा लग रहा है? हमको अच्छा, हम देखे हैं तो उतर के खरीदे हैं। लो बेटा आप लोग भी खा लो भुजा है। हम पानी पूरी नहीं खाए तो भुजा खाते हैं। और देखिए इधर राम मिलन भैया और प्रेम कुमार भुजा लेकर बैठे, हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमको भी दीजिएगा। हाँ जरूर, हम पूरा देंगे। तो भैया देखिए अभी प्यारी जो है हाथ से खिला रही है, पीछे से खिला रहा है, पीछे बैठे हैं, इनके पीछे ही बैठे हैं। अभी चल रहे हैं ओरियन मॉल के अंदर, और ये देखिए भाई साहब ये जो है हमारा गेट है जिससे हमको एंट्री करना है, और फाइनली हमारा एंट्री हो चुका है। और अभी देखिए पीछे जो है हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे आ रही है, और देखो भाई साहब बाहर का क्या व्यू है, ये देखो चारों बगल का व्यू देखो यार कितना ज़बरदस्त लग रहा है। देखो कितना मस्त व्यू यहाँ का लग रहा है, चारों बगल का व्यू जो है बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। तो ये दीपावली के अवसर पे जो है ना बहुत ज़्यादा ओरियन मॉल का सजावट होता है। अगर कभी आइएगा गोरखपुर तो नाइट को आइएगा घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो है रात का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। नहीं मम्मी लगता है, और ये देखिए आगे का कितना अच्छा लग रहा है। और कैसा व्यू लग रहा है मम्म? बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखो दिया का सीन है, कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट पर, पूरी फैमिली इंतजार कर रही है, और हम तो सिर्फ पहले चल रहा है। ये देखिए भाई साहब देखो जो है सभी कोई आ रहा है। सबसे पहले हम ही चलते हैं लिफ्ट पर। शॉपिंग करने भी हम लोग को बहुत ज्यादा लेट हो चुका था, तो सोचे हैं थोड़ा सा आके ओरियन मॉल में घूम ले। ओरियन मॉल में एक डिटेल में हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो है, लेकिन भाई साहब आप जानते हो कि दिवाली में ही थोड़ा सा यहाँ का देखो यार व्यू देखोगे ना तो बोलोगे कि हाँ यार क्या गजब का लुक है। तो बस दिवाली में मौका मिला है तो हम पूरी फैमिली को अपने देखो लेके चले आए हैं, साथ साथ शॉपिंग भी किए हैं, और साथ आएंगे कभी दिवाली वगैरह छठ वगैरह के बाद फिर ऐसे हम लोग आएंगे ओरियन मॉल, अच्छे से घूमेंगे। अभी काफ़ी रात हो गया है तो साथ में शॉपिंग भी किए हैं, और साथ में सोचे हैं कि चलो यार फैमिली थोड़ा सा घूम लिया जाए, घुमा भी देते हैं। हाँ। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं दिवाली में ओरियन मॉल में घूमने, जो कि हमें घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है, देख सकते हैं, और स्लीप करने में और मज़ा आता है। सुपर मैनेशन स्लीप करता हूँ। और अभी हम लोग नीचे चल रहे हैं, देखिए सब कोई आ रहा है, और प्यारी जो है पहले से ही आके नीचे आ गई है। तो भाई साहब ओरियन मॉल हल्का फुल्का घूमने आए थे जो कि हम लोग घूम चुके हैं, और अभी चलते हैं बेसमेंट में जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। हम लोग का लिफ्ट जो है वो आ चुका है, और अभी चलते हैं लिफ्ट के अंदर। तो भाई साहब अभी आ चुके हैं हम लोग बेसमेंट में जहाँ पे हम लोग का गाड़ी पार्किंग है, और देखिए ये रही हम लोग की गाड़ी। गुड
मॉर्निंग एवरीवन, अभी सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं और भाई सब रात को आते आते काफ़ी हम लोग को लेट हो चुका था, तो ब्लॉग को रात को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं। तो अभी जो है इस ब्लॉग को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए जो भी हमारे सामान हम खरीदे थे, मम्मी खरीदी थी, सारा सामान जो है लेके प्रेम खड़ा है और कुछ सामान जो है साइड में पड़ा हुआ है। बाकी मूर्ति वगैरह था तो वो तो मम्मी मंदिर के अंदर जो है वो रख दिए। तो गाइस ब्लॉग जो है काफ़ी मेहनत लगा बनाने में, और आपको कैसा लगा जो हम लोग दिवाली की शॉपिंग किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक आपने हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, तब तक के लिए बाय।